नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और आपकी कैसे चल रही है तैयारी? अभी रेलवे एनटीपीसी की फॉर्म फिलिंग चालू है, बहुत सारे बच्चे पोस्ट को लेके कि सर इस पोस्ट के लिए हम कहाँ पे आवेदन करें, किस जोन से आवेदन करें, लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं और इसी कारण से मैं इतनी रात में भी आपको वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि आपको इससे पहले मैंने लगातार तीन पोस्ट के लिए जो मेजर मेजर पोस्ट थी लेवल 6 लेवल 5 की उसके लिए वीडियो बना चुका हूं और अब मैं ये अंतिम वीडियो बना रहा हूं ग्रेजुएशन वाले सारी पोस्ट के लिए जो आपकी जॉब प्रोफाइल और जॉब के लिए जो बेस्ट जोन है उसकी कैटेगरी की बात करें तो। लेकिन इस वीडियो में हम लोग दो पोस्ट को एक साथ देखेंगे जो JAACT है और SCCT, यानी कि अगर हम इन दोनों पद की बात करें जो गर्ल्स के लिए भी सबसे बेहतर है और ऐसे बच्चों के लिए, केवल गर्ल्स के लिए नहीं, ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि हम भाई स्मूथ लाइफ अपना जिए, स्मूथ लाइफ अपना हम बिताएं, बहुत रश में लाइफ ना रहे, हम पैसा बहुत पैसे पीछे ना भग के हम अपने आराम भरी लाइफ के पीछे जाएं और हमें अगर आगे फर्दर पढ़ाई करनी है तो हम अपनी फैमिली अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाल सके, तो आपके लिए ये बेस्ट पूरी जॉब है। पूरी वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा और बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जो बच्चे अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, अभी इतनी जल्दी भी नहीं है, सारी वीडियोज एक बार देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही रोक रखा है कि अभी ये लास्ट वीडियो होगी, हालांकि इसके बाद आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि लगभग सारी इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोगों ने यहां पे कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें करना होगा अपनी तैयारी। तो अब मैं जो आपके लिए कंटेंट लेके आऊंगा कि आपको क्या सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस क्या है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पैटर्न आते हैं, किस पोर्शन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और अपनी तैयारी की तरफ आगाज करेंगे। कल से शाम को 6 बजे से हम लोग प्रारंभ सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम लोग 7-8 दिन की लगातार क्लासेस करेंगे, 3-4 घंटे की मैराथन के टाइप में करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि अगर आप लोग वाकई में एनटीपीसी के लिए सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अपने एक जो बेसिक फाउंडेशन लेवल लेके चलेंगे कि किस प्रकार से हम लोग एक फाउंडेशन बना लें और फिर हम लोग अपने कोर्स, तो उधर जो कोर्स है हम लोग का परीक्षा प्लस ऐप पे उस पे तो क्लास चलती रहेगी, लेकिन इधर हम लोग एक फाउंडेशन बनाएंगे कि एक सिलेक्शन लेने के लिए क्या फाउंडेशन होना चाहिए, क्या बेसिक बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, इस पे हम लोग जिक्र करेंगे। आते हैं हम लोग यहां पे, अगर इस पोस्ट की बात करें, एक बीच में आपको पहले मैं बता देता हूं कि जो बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा प्लस आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे लगातार आपको विश्वास भी हो रहा होगा कि आपका बड़ा भाई आपके लिए कितनी मेहनत करके लेके आता है और जो भी चीज मैं लेके आता हूं ये ऑथेंटिक लेके आता हूं और बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ बहुत ही क्वालिटेटिव लेके आता हूं। तो नो डाउट आपको ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पसंद आएगा तो आप खुद ही कर लेंगे, बट फिर भी एक होता है कि कई बार दिमाग से स्किप हो जाता है तो एक बार ध्यान दिलाना मेरा काम है। आते हैं हम लोग JAACT और SCCT, इन दो पदों के बारे में बात करेंगे। इन दो पदों में पहला है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, दोनों ही पद लेवल 5 के हैं, दोनों का बेसिक पे सेम है, दोनों का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सेम है, दोनों में उम्र इस बार 18 से 36 ले रहा है, वैसे 18 से क्या लेता है, 18 से 33 लेता है। एक में वैकेंसी 1507 है और दूसरे में 732 है, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लगभग 2200-2300 वैकेंसी है। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड C2 की बात करें तो सबसे आसान मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें आपका क्या है 6/12 आपकी सिंगल IB होना चाहिए और निल विद और विदाउट 6/12 और निल विद और विदाउट ग्लासेस, मतलब एक आंख आपका क्या होना चाहिए 6/12 और दूसरी आंख नहीं भी देखे तो भी काम चल जाएगा, इस हिसाब से मतलब कि सबसे आसान मेडिकल स्टैंडर्ड से बोला जाता है। नियर वजन क्या होना चाहिए 0.6 कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेस, ये भी बोला है, और वेल रीडिंग और क्लोज वर्क रिक्वायर्ड, बाकी इसमें कोई बाइनोकुलर टेस्ट नहीं, कोई आपका कलर विजन नहीं, कोई आपका किसी प्रकार का टेस्ट नहीं है, बस फिजिकली फिट होना चाहिए, बाकी विजन एक्विटी में कुछ भी यहां पे नहीं है, बहुत आसान है। इसमें एक चीज खास है इस पद में कि इस पद के लिए आपको टाइपिंग करना होगा, यह ध्यान रखना, जैसे आपको बोल सकते हो स्टेशन मास्टर में साइको अलग से स्किल टेस्ट होगा, आपका बोल सकते हो कि इसमें सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में इन दो पद में आपको क्या करना होगा, टाइपिंग करना होगा, यह आपके अलग से स्किल होगा और इसी कारण से कट ऑफ भी थोड़ा नीचे जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एक बार सैलरी स्लिप दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाए कि आपकी ये जो सैलरी है वो, अगर आप ये JA, आप किस पोस्ट को देखोगे, JAA पोस्ट को देखोगे, ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट वाला पद बोल रहे हैं, इसमें कंबाइन होके इस बार कम टाइपिस्ट भी दे दिया है, ठीक है, इस पद का नाम दे दिया है, लेवल 5 का जॉब दे दिया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यहां पे जो नेट पे आया है 43,000, जबकि ग्रॉस सैलरी इस बच्चे का कितना बना है, ग्रॉस सैलरी बना है 51,660। तो ये मिनिमम सैलरी होती है जिसमें आपका बेसिक पे है, DA लगता है, HRA लगता है, बाकी कोई ये तो एरियर वगैरह लगे, ये सबको नहीं मिलते हैं, जो एरियर मिलेगा तो मिलेगा, क्योंकि जब बढ़ेगा इंक्रीमेंट तभी एरियर लगता है। इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगा है, कहीं रेलवे के डिपार्टमेंट के काम से कहीं आप बाहर गए हो तो उसके लिए ट्रेवलिंग अलाउंस लगा हुआ है और कंटिजेंट अलाउंस लगा हुआ है कि इसमें जो भी आपके खर्चे होंगे उसके साथ साथ वो आपको
लगता है। तो कुल मिला के ग्रॉस सैलरी 51,660 है, फिर एनपीएस का आप कुछ और कटा रहे हो, कटा पिटा के आपके 43,289 आ रहे हैं। आप ये बच्चा ज्यादा ही कटाया है, जनरली अगर देखा जाए तो 45,000-47,000 नेट पे एनपीएस कटने के बाद आता है। ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे सैलरी स्लिप किसकी देखें, हम लोग सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के देखें, एससीसीटी पद का देखें, तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी 56,990 बना है और जो नेट पे है 52,475। ये दोनों पोस्ट की सैलरी लगभग सेम है, ये डिपेंड करता है किसी ने ज्यादा कटाया है और किसी ने बिल्कुल नहीं कटाया है। इसमें देखो इसने क्या किया, एनपीएस के अतिरिक्त भी काफी इसके डिडक्शन है, जबकि इसका डिडक्शन बिल्कुल नहीं है। जबकि यहाँ पे डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट, ट्रेवलिंग अलाउंस और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2700 और ट्रेवलिंग अलाउंस यहाँ पे 280 ज्यादा 2800 ज्यादा बना है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे, और दूसरी बात, यहाँ पे इंक्रीमेंट भी 30,100 मतलब कि एक इंक्रीमेंट लग चुका है, जबकि यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं लगा है, 29,200 बेसिक पे ही बना है। तो ये इंक्रीमेंट भी क्या होता है, सालाना आपका लगता रहता है, तो उस आधार पर आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। इनिशियल सैलरी आपको 45-46,000 के आसपास बनेगी, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब दोनों पोस्ट में कंपैरिजन कर लेते हैं और एक ही जगह पे मैं दोनों ले आया है। अगर आप जेएससीटी को देखोगे तो इसकी भी पोस्टिंग एक्स या वाई सिटी में होती है, मेजरली एक्स वाई में होती है। इनका हेडक्वार्टर डीआरएम में भी, जो प्रोडक्शन यूनिट है, हेडक्वार्टर में भी आपकी हो सकती है पोस्टिंग, हो सकती है आपके डीआरएम ऑफिस में, हो सकती है प्रोडक्शन यूनिट हो गया, वर्कशॉप हो गया, टीए हो गया और आपका क्या हो गया, स्टेशन पे भी हो सकती है। ऐसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एससीसीटी का यहाँ पे एक्स वाई एट हेडक्वार्टर हो गया, डीआरएम हो गया, प्रोडक्शन यूनिट हो गया, वर्कशॉप हो गया, टीए, हर जगह यहाँ पे क्या हो सकती है आपका पोस्टिंग हो सकती है। जॉब रोल में आपको 8 से 8.5 घंटा काम करना रहता है, मतलब दो तरीके के होता है। अगर आप कहां पे कर रहे हो, आप जैसे प्रोडक्शन यूनिट पे कर रहे हो, आप वर्कशॉप पे कर रहे हो, आप टीए पे कर रहे हो, तो आपको क्या करना रहेगा, 8 घंटे करना रहेगा, सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक करना रहेगा, 8 से 9 घंटे आपको जॉब करनी रहती है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पे बात करें तो जब अगर आपका डीआरएम ऑफिस में, अगर आप डीआरएम ऑफिस में ज्वाइनिंग होता है तो डीआरएम ऑफिस में आपको आधा आधा घंटा क्या होता है, ज्यादा वर्क करना होता है। लेकिन डीआरएम ऑफिस में खासियत यह है कि आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक ही वर्क करना रहता है, मतलब सैटरडे संडे ऑफ रहता है। जबकि आपका क्या होता है, अगर आप जनरल कहां पे हो, आप प्रोडक्शन यूनिट में हो, वर्कशॉप यूनिट में हो या कहीं अलग पे हो, तो आप या स्टेशन पे हो, तो आपको 6 दिन जॉब करना पड़ेगा और आपका क्या होगा, आधा घंटा डेली बेसिस पे कम जॉब करना पड़ेगा, वो बात बराबर होती है। लेकिन सैटरडे को एक्स्ट्रा मिल जाता है तो फैमिली के साथ 2 consecutive डे आप व्यतीत कर पाते हो, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। साथ में अगर बात करें तो इसमें कोई शिफ्ट जॉब नहीं है और ये कारण इस पोस्ट को, इन दोनों पोस्ट को गर्ल्स के लिए सबसे बेहतर बनाता है, क्योंकि गर्ल्स को सबसे ज्यादा समस्या नाइट ड्यूटी करने में ही आती है। दूसरी बात, इसका फिक्स्ड टाइमिंग है, तो आपके हेल्थ हो गया, आपका लाइफ साइकिल हो गया, आपकी फैमिली के साथ कहीं आना है जाना है, उन सारी चीजों की प्लानिंग हो गई, तो ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपके एक टाइम के अंदर रहती हैं। फिक्स्ड ड्यूटी की वजह से आप अपनी चीजों को प्लांड वे में अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाते हो और आपकी स्लीप साइकिल वगैरह ये सारी भी चीजें बेहतर रहती हैं। प्रमोशन की बात करें तो दोनों में ही प्रमोशन ठीक है, लेकिन एक बात समझिएगा, जैसे जो जेएएसीटी, जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का पद है, इसमें 2800 पे तो आप ज्वाइन करोगे, जो लेवल 5 है आपका 2800 ग्रेड पे होता है, जैसे आपका लेवल 3 होता है 2000 से स्टार्ट होगा, लेवल 4 होगा 2400 होगा, लेवल 5 होगा 2800 ग्रेड पे, लेवल 6 होगा 4200 ग्रेड पे। तो आपका लेवल 5 से लेवल 6 यानी लेवल 5 से लेवल 6 पे आने पे 3 से 4 साल लग जाते, जिसे AA बोला जाता है, जिसे अकाउंट असिस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद आप SSO बनोगे, उसके बाद ADFM बनोगे, उसके बाद DFM बनोगे, उसके बाद सीनियर DFM बनोगे, जिसे DFM मतलब डिविजनल फाइनेंस मैनेजर। आप यहां पे देखोगे सारी चीजें फाइनेंस चल रही है, क्योंकि जो JA यहां पे नाम ही है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, तो ये अकाउंट वाले काम करते रहते हैं और अकाउंट वाला काम करने के लिए इसी कारण से इसमें एक यूनिकनेस ये होती है कि आपको प्रमोशन लेने के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम देने, एक इंटरनल एग्जाम होता है, मतलब उस एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे तो ऐसा नहीं कि फिर आपका प्रमोशन नहीं होगा, बस प्रमोशन तभी मिलेगा जब आप उस एग्जाम को पास करोगे। जैसे बैंकिंग बैंक वगैरह में होता है कि अगर कोई नीचे का क्लर्क है तो क्लर्क को पीओ बनने के लिए थोड़ा सा क्या करना होता है, वहां पे एग्जाम देना होता है, तभी वो कर पाएगा, ऑटोमेटिकली नहीं होता। बाकी सारे पोस्ट में, जबकि आपका एससीसीटी में है, इसमें ऐसा नहीं है, आप इसमें कोई एग्जाम नहीं देना, इसमें आपका प्रमोशन होता रहेगा। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि आप एग्जाम देके आप कम समय में आप ज्यादा ज्यादा मतलब हाई लेवल पे जा सकते हो, जैसे बोल सकते हो कि 5-6 साल में आप कम से कम 4800 ग्रेड पे पहुंच सकते हो। वहीं पे अगर आप बात किया जाए एससीसीटी का, तो यहां पे आप 5 साल में ज्यादा से ज्यादा कहां पे पहुंच पाओगे, ज्यादा से ज्यादा 4200 ग्रेड पे पहुंच पाओगे, 4600 ग्रेड पे पहुंच जाओगे, इससे ज्यादा ऊपर नहीं पहुंचोगे। जबकि आप यहां पे एग्जाम देके आप कम समय में ज्यादा ऊपर पोस्ट पे पहुंच सकते हो। तो एग्जाम के बदौलत जेएएसीटी एक ऐसा पोस्ट है जहां पे आप सीनियर डीएफएम यानी कि सीनियर डिवीजन फाइनेंस मैनेजर तक पहुंच सकते हो, यानी कि आप 6600 ग्रेड पे तक पहुंच सकते हो, यानी कि आपकी सैलरी
सैलरी लाखों में होगी, यहां पे इस बात को समझिएगा। तो एक बेहतर, इसीलिए जेएसीटी पद एक बेहतर पद होता है और यहां पे आपको इंटरनल एग्जाम मतलब एग्जाम बार बार देने पड़ते हैं क्योंकि अकाउंट की कैटेगरी का होता है। जैसे आपकी अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो आपको वैसी जगह बैठाया जाएगा उस सीट पर जहां पर आपको सैलरी बनानी होगी, आपको ऑडिट करना होगा, आपको पीएफ की सीट है वहां पे बिठाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बिल जैसे कई सारे रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह निकलते हैं तो उन कॉन्ट्रैक्ट को आपको संभालना पड़ेगा, आपको मेडिकल बिल यहां पे देखना पड़ेगा, आपको यूनिफॉर्म यहां पे नहीं मिलता, इस बात को ध्यान देना यूनिफॉर्म यहां पे भी नहीं मिलता। आपकी यहां पे भी जो हम इसकी बात करें एससीसीटी का, तो यहां पे भी जॉब प्रोफाइल लगभग सेम है, बस ये ध्यान देना कि ये जो पोस्ट होते हैं ये ज्यादा पोस्ट डेटा एंट्री वाले होते हैं, ये पोस्ट इसमें जो जॉब होती है ज्यादा डेटा एंट्री वाली है कि अगर कोई रिटायरमेंट हो रहा है तो कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, कितने लोग का ट्रांसफर लिस्ट बननी है, सैलरी किसकी क्या बननी है, कॉन्ट्रैक्ट बिल हो गया, ये सारी चीजें आपका यहां पे भी करना होता है, बट ये डेटा एंट्री है और यहां पे अकाउंटिंग वगैरह थोड़ा बहुत आपको करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग कोई फॉर्मूला लगाना पड़ता है, वो आप जब वर्क करते हो तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और धीरे धीरे आपको जो ट्रेनिंग में जो शुरुआत की 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वहां पर आपको बताया भी जाता है सब कुछ, वहां पर आप क्लियर कर लेते हैं। अब रहते हैं बात यहां पर सैलरी पर, जैसे मैंने सैलरी दिखाया आपको, पहले ही दिखा दिया हूं सैलरी स्लिप, और सैलरी आप देखोगे तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट क्लर्क टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट में इसमें आपका बेसिक पे है, इसमें आपका डीए 50% लगता है, एक्स वाई जेड के हिसाब से एचआरए लगता है, 30% आपका एक्स में, 20% आपका वाई में, जेड में आपका 10%। यहां पे जेड होता नहीं है तो आप इसको काउंट मत करो, यहां पे 87-60 और 58-40 से 87-60-58-40 से आपको मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी 5400-2700 के हिसाब से मिलता है कि एक्स और वाई के हिसाब से, एक्स में आपको 5400 और वाई जेड के हिसाब से आपको 2700, तो क्योंकि जेड होता नहीं तो एक्स और वाई में 5400-2700 हो जाएगा। ट्रेवल अलाउंस आपको दोनों जगह मिलता है, यहां पे भी 625-625 मिलता है और यह भी डिपेंड करता है कि आप ऑफिस के काम के कितने देर के लिए गए हो, तो वो भी 70% और 30% के हिसाब से मिलता है, वो आपको समझा दूंगा। किलोमीटर अलाउंस यहां पे नहीं मिलता है, यहां पे कोई सेल अलाउंस नहीं है, यहां पे कोई आपका लीव अलाउंस नहीं है, मतलब कि अगर आप नेशनल हॉलिडे के डेज पे आप वर्क करते हो तो आपको कोई उसका पैसा नहीं मिलेगा, तो वर्क करने का मतलब ही क्या है, तो यहां पे वो फैसिलिटी नहीं है। नाइट ड्यूटी नहीं है तो इसका भी कोई अलाउंसेस नहीं है। ड्रेस कोड यहां पे नहीं है तो कोई भी ड्रेस अलाउंसेस भी नहीं है, तो इस कारण से सैलरी थोड़ी सी बाकी लोगों से कम बनती है। लेवल 5 में अगर आप देखोगे, लेवल 5 में गुड्स ट्रेन मैनेजर की सैलरी 90,000 तक पहुंची है, लेकिन यहां पे 54-55,000 ही बनती है। बट कोई बात नहीं, गुड्स ट्रेन मैनेजर 90,000 कमाने के लिए बहुत मशक्कत करता है, बहुत लेबर करता है, आप नहीं करते तो कोई बात नहीं। अब आते हैं कि आपको अगर ये पद पाना है तो आपका जोन चूज करना कैसा होगा, और जो चीज अब मैं बताने जा रहा हूं एकदम बमप्लाट एनालिसिस बताने जा रहा हूं कि यह चीज शायद ना आपने देखा होगा ना सोचा होगा और किसी ने नहीं सोचा होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर यकीनन खासकर क्योंकि यह पोस्ट जो है गर्ल्स के लिए ज्यादा बेटर है, तो गर्ल्स एक अलग दिशा में सोचती हैं और गर्ल्स सोचती हैं कि हम जहां पे जाएं वहां पे कोई और ना आए, और यही चीज क्या होती है यूनिकनेस, उनको क्या कर रही है, उनको एक सेफ जोन में ले जाएगी। दूसरी बात यहां पे बता दूं कि यहां पे जैसे जो बॉयज होते हैं वो लोग पैसे के पीछे ज्यादा भागते हैं, तो गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, वो भौकाल के पीछे ज्यादा भागते हैं, तो इस कारण से वो ज्यादा उन जगहों पे भरेंगे जहां पे स्टेशन मास्टर और किसके गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी ज्यादा है। और यहां पे अगर देखा जाए ऐसे बच्चे, मैं गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, वो भले ही बॉय हैं लेकिन वो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आरामदायक पोस्ट वालों के लिए जो बताने जा रहा हूं उसका ध्यान देना। लेकिन जोन चूज करते समय आप ध्यान देना कि आपकी प्राथमिकता क्या है, नौकरी है या आपका परिवार है, आपकी लाइफ स्टाइल, इस चीज को ध्यान देना। पसंदीदा पोस्ट अनुसार जोन, आप जिस पोस्ट को पसंद करना है, जैसे मैंने बोला गर्ल्स के लिए बेस्ट पोस्ट है, तो आपके लिए फिर कौन सा जोन बेटर है, इसको भी जिसके बिहाफ पे मैं ये वीडियो लेके आया हूं। दूसरा कि कुल पद आप जहां से भर रहे हैं वहां पे कुल पद है कि नहीं, पता लगे आप किसी कैटेगरी से, जैसे ओबीसी वाले भाई हैं, एससी वाले भाई हैं, है ना, बहन है हमारी कोई, और वो एक ऐसे जोन से डाल रही है जहां पे ओबीसी या एससी के पद ही नहीं है, तो फिर आपका वो जोन चूज करना बेकार हो जाएगा। तो आप ये भी देखो कि आप किसी कैटेगरी के हो तो आपकी कैटेगरी का पोस्ट वहां पे पर्याप्त है कि नहीं है, आप इस चीज को देख के भरो। इसकी वीडियो मैंने बना दी कैटेगरी वाली, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। प्रीवियस कट ऑफ जोन से कितना जा रहा है इसको भी थोड़ा सा एनालाइज करो, घर से दूरी कितनी है इसको भी एनालाइज करो, और परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर कितनी है इस चीज को आप थोड़ा सा एनालाइज करो। और इन सारी चीजों को एनालाइज करते हुए मैंने एक पहले चार्ट आपको बनाया था, ये चार्ट सब लोगों ने देखा होगा, ये कैटेगरी वाला है, कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा किस कैटेगरी किस जोन में कितने पोस्ट हैं, मैंने बता दिया है, और इसके बाद आप नोटिफिकेशन खोल के देख लेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। इस चार्ट में मैंने ये बताया था कि आप किस राज्य, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल लेते हैं कि सर मैं इस राज्य से हूं मैं कहां पे भर दूं, तो मैंने राज्यवार आपके लिए सेफ जोन बता दिया था कि आप जैसे मिजोरम से हो तो आपके लिए गुवाहाटी पहले नंबर पर, मालदा और कोलकाता, मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से आप पहले गुवाहाटी चूज कर लो, किसी कारण से गुवाहाटी नहीं चूज कर लो तो मालदा चूज कर लो, किसी कारण से मालदा भी नहीं पसंद आ रहा है तो आप कोलकाता चूज कर लो, ऐसे मैंने आपको क्या बताया था, स्टेट वाइज बताया था। अब आते हैं हम लोग
पोस्ट वाइज, और पोस्ट वाइज में हमारे ये दो पोस्ट बचे थे, एक JAACT बचा था, एक SCCT बचा था। और इसमें अगर आप देखोगे तो आप गेस लगा सकते हो कि मैं कौन सा आपके लिए लेके आया हूं, कि आपके लिए सेफ जोन कौन सा है। तो ये देखो भाई, आपके सामने पिटारा ओपन होता है, और मैंने ये स्टेशन मास्टर हर जगह लिखा रह जाता है जल्दबाजी में आप लोग को वीडियो बनाने के चक्कर में। आप इसे क्या करना, इसे आप सही कर लेना। और ये मैंने किस पोस्ट के लिए बताया है, ये JAACT और SCCT की पोस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इन दोनों पोस्ट के लिए भाई सबसे बेस्ट जोन क्या है, चेन्नई है। क्यों चेन्नई है, क्योंकि चेन्नई का सबसे पहली बात, अगर लोकेशन आपको लगता है कि नहीं नहीं हमें नौकरी ही चाहिए, सबसे पहली बात मैं गर्ल्स के लिए बोलूंगा कि अगर आपको जोन सिलेक्शन में, तो आपके लिए पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपकी फैमिली होनी चाहिए, कि आप कहां पे अपनी फैमिली के साथ रह पाओगे, वो ज्यादा बेटर होना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ क्या हो बहुत ज्यादा ल्यून ना हो। और इस कारण से मैंने ये बोला है कि जो नीली पट्टी वाले हैं ये तो बिल्कुल भी अपना जोन चेंज ना करें, आप वहीं से भर दो, वो ज्यादा बेटर है। रेड वाले क्योंकि यहां पर वैकेंसी बहुत कम है, तो इस वजह से चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, तो आप उठ के कहां पे ग्रीन वाले जगह पे आ सकते हो, लेकिन तभी जब आपके लिए नौकरी ही सब कुछ हो, तब इस बात को ध्यान दीजिएगा, बाकी सब कुछ आपके बुद्धि वे पे डिपेंड करता है। तो मैंने चेन्नई बोला है, चेन्नई कहां पे है, चेन्नई आपका है, यहां पे देखो। और चेन्नई की अगर आप बात करोगे तो चेन्नई में कितनी वैकेंसी है, 436 है, जिसमें इन दोनों पद की बात करेंगे तो 169 और 95 अगर हम चेन्नई की बात करेंगे। और मैंने एक क्या बोला है, एक आपको बोला है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में 189 और 70 है JAACT और SCCT की। मैंने ये क्यों चुना, क्योंकि अगर आप इन दो जोन को देखोगे तो यहां पे स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर ये पद बिल्कुल है ही नहीं, जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड सेम टाइप के जॉब है। ऐसे 21 और 69 यहां पे भी वैकेंसी बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे बच्चे जिनको स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर, खासकर ज्यादातर अधिकांश लड़के इन दो वैकेंसी, इन दो पोस्ट के पीछे दीवाने रहते हैं, और क्योंकि यहां पे वैकेंसी नहीं है, दे विल स्किप चेन्नई एंड चंडीगढ़। एंड फॉर दैट रीजन आपके लिए चेन्नई और चंडीगढ़ JAACT पद के लिए, या फिर आपका SCCT पद के लिए, या मैं इनडायरेक्टली बोलूं गर्ल्स के लिए, सबसे बेहतर जोन आपका कौन सा है, चेन्नई है, चंडीगढ़ है। यकीन मानिए, दिल पे हाथ रख के मैं बोल रहा हूं आपके लिए ये जोन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप भर ही दीजिए, मैं केवल एक लॉजिकली रीजन दे रहा हूं, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, क्योंकि अनिश्चितताएं किसी के साथ भी होती हैं, लेकिन मैं इतना डैम श्योर हूं कि यहां पे भीड़ बच्चों के बहुत कम होंगे, लड़कों के बहुत कम होंगे, और इस कारण से इन दो पद वाले बच्चों के लिए ये क्या होगा, बहुत बेहतर जोन होने वाला है। तो चेन्नई और चंडीगढ़ मैंने पहले और दूसरे पे रखा है, अब तीसरे पे मैंने कोलकाता, सिकंदराबाद और मुंबई रख दिया है। क्यों, क्योंकि यहां पे कोलकाता सिकंदराबाद पहली बात इसलिए मैंने रखा है कि ब्लू पट्टी वाले जो भी जोन है, इसमें कोई भी अपना जोन मत चेंज करो, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। जो रेड वाले मैंने बनाया है, रेड वाले ही आप चेंज करो, और रेड वाले में अब आपको जब ग्रीन में आना ही है, तो मेरे ख्याल से दो विकल्प कोलकाता और मुंबई ही ज्यादा बेटर है, और यहां पे वैकेंसीज भी आपकी ठीक ठाक हैं, बाकी भी वैकेंसीज मिल जाती हैं, क्योंकि भुवनेश्वर में बाकी वैकेंसी आपको नहीं मिलती है और अन्य जगह भी इतना नहीं रहता, तो ज्यादा बेटर है कि आप कोलकाता और कहां पे आओ, मुंबई। और यही कारण से मैंने क्या बताया है, यही पे मैंने आपको कोलकाता और फिर आपका एक सिकंदराबाद, फिर मुंबई बताया है। तो सिकंदराबाद आप देखेंगे, सिकंदराबाद आपका यहां पे आ जाएगा इसे 141 और 14, ये भी आप इसे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यहां पे JAACT का पद ज्यादा है। और इसके बाद आपका मैंने क्या बोला है, मैंने आपको मुंबई बोला है, तो मुंबई आप कर सकते हो। तो ये बहुत बेटर तरीके से एनालाइज करके आपको मैंने ये बताया है, इसे आप फॉलो कर सकते हो। और ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मल्टीपल जोन तो चूज नहीं कर पाओगे इनमें से कोई एक, तो आपको चेन्नई लगता है कि नहीं सर चेन्नई में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो आप चंडीगढ़ कर दीजिए, आपको लगता है चंडीगढ़ में भी गड़बड़ हो जाएगा तो कोलकाता बोल दीजिए, आपको लगता है कोलकाता में, इसलिए मैंने पांच टॉप क्लिक कि आपको पांच में भी ऑप्शन चुनने को मिले, कि इनमें से कोई ना कोई जोन आपके घर के नजदीक होगा, कोई ना कोई जोन आपके हिसाब से होगा, कोई ना कोई जोन आपका दिल कह रहा होगा। इस कारण से मैंने पांच, हर वीडियो में मैंने पांच ऑप्शन आपको दिए हैं, ताकि आप इसके आधार पर इस फॉर्म को भर सको। रही बात अब आपकी, मैंने बताया था जैसे तैयारी की, तो भाई एक चीज आप लोग समझिएगा कि तैयारी के लिए टीम परीक्षा प्लस बहुत मेहनत कर रही है आपके NTPC एग्जाम के लिए, और मैं डैम श्योर हूं कि सबसे ज्यादा मैं इतना बोलूंगा कि जो सिलेक्शन रेशियो है, मतलब मैं बोलता हूं कि मेरे पास 500 बच्चा एडमिशन लिया है, तो मैं 500 में 400 एडमिशन करा के दिखाऊंगा, अगर 1000 लिया है तो 1000 में मैं 800 एडमिशन करा के दिखाऊंगा, 80% से ज्यादा सिलेक्शन रेशियो देने की गारंटी मैं लेता हूं, और मतलब
प्रयास तो रहेगा कि 100% से 100% हो, लेकिन ऐसा अतिशोक्ति करने का मतलब नहीं है, क्योंकि सबको करा नहीं सकते। क्लियर बात यही है, बच्चे पे भी निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको एश्योर कराता हूं कि अगर आप मेरे हिसाब से चल रहे हैं, आप टीम परीक्षा प्लस के हिसाब से चल रहे, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। और सारे बैचेस मात्र 199, चाहे आप रेलवे कोई बैच लो, एनटीपीसी का बैच आपको लेना, एनटीपीसी 2.0 बिल्कुल नया बैच है, मात्र 199। सारी लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, सारे आपको बुकलेट नोट्स मिलेंगे। आप अगर ई बुक चाहते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस के लिए ई बुक चाहते हैं, ये सारी ई बुक अभी परीक्षा प्लस ऐप में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करोगे, आप पेड कोर्स में जाओगे, आप किसी भी बैच पर एनटीपीसी 2.0 पर बाय नाउ करोगे, सब कुछ आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे टाइम टेबल भी यही लगा है, कैसे क्लास चलेगी, यहां पर आपका सिलेबस भी यहीं पर लगा हुआ है, आपके जो डिस्कशन होते हैं वो भी यहीं पर आपका लगा रहेगा, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस के सारे सब्जेक्ट हो गए, पीडीएफ नोट्स में सारे पीडीएफ लगे हुए हैं, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। लाइव सेक्शन में लाइव क्लास, टेस्ट आपको दिया जाएगा, रिकॉर्डेड सेशन इसमें रहेंगे, टेलीग्राम, ऑल डाउट, सब कुछ आपको यहां पे एक्सेस करने को दिया जा रहा है, और बहुत बेहतर है। साथ में कल शाम को 6 बजे से हम लोग एक प्रारंभ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और इस प्रारंभ सीरीज में हम लोग आपके लिए लगभग 10 डेज 10 क्लास लेके आएंगे, और इसमें हम लोग बिल्कुल आपका जो एक फाउंडेशन होता है ना, कि बच्चा बिल्कुल तैयारी कर रहा है पहली बार, इस 10 दिन में हमको आपको उस लेवल बना देंगे कि अब आप उन बच्चों के बराबर आ जाओगे जो पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप वो बेसिक चीज आप 10 दिन में सीख जाओगे। तो एक बहुत बेहतर 10 डेज 10 क्लास हम लोग करेंगे, और इनके बिहाव पे भी आप एडमिशन ले सकते हो, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस क्लास को अवश्य ज्वाइन करो कल शाम को 6 बजे से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, और फिर भी आपकी कोई डाउट है, कोई भी दिमाग में चल रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ लीजिएगा। आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं रात रात भर आपकी कमेंट का रिप्लाई करता रहता हूं। दूसरी बात, अब मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो मैं लेवल 2 और 3 वाले के लिए बनाऊंगा। तो यहां पे अब इसके लिए जॉब प्रोफाइल और सेफ जोन का मैंने मैक्सिमम वीडियो बना दिया, कल से हम लोग स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।